स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे हाल ही में हुए भारत और वियतनाम को लेकर एक एग्रीमेंट के बारे में। भारत के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के 3 दिन के दौरे पर थे। आपको बता दें, भारत के साथ वियतनाम का लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर करार हुआ है। इस करार के तहत दोनों देशों के युद्ध पोत और विमान एक दूसरे के बेस पर बिना किसी रोक टोक के रुक सकेंगे। इसके अलावा विमानों की लंबी उड़ान या फिर युद्ध पोतों की लंबी यात्रा के दौरान एक दूसरे देश के सैन्य अड्डों पर हॉल्ट और रिफ्यूलिंग भी कर सकेंगे। आपको बता दें, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ वियतनाम ने इस तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम को 12 हाई स्पीड बोट सौंपेंगे। इस करार के साथ भारत और वियतनाम की दोस्ती एक कदम और आगे बढ़ी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंचे और वहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण बयान भी जारी किए। इसके अलावा उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के जनरल फान वांग यांग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए। इस पूरे दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई ट्वीट्स भी किए, जिनमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। आपको बता दें, इससे पहले विभिन्न अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है कि 2030 तक अलग अलग क्षेत्रों में रक्षा संबंधों के महत्वपूर्ण विस्तार के लिए एक साझा दृष्टिकोण दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं अगर भारत की वैश्विक नीतियों की ओर नजर डालें तो ये करार भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी समुद्र क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी परियोजना चला रहा है। वहीं भारत और वियतनाम साझा हितों की रक्षा के लिए पिछले कई सालों से अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये दोनों देश अपने रिश्तों को इस करार के साथ किस हद तक निभा पाते हैं। हालांकि चीन का सीमा विवाद केवल भारत के साथ नहीं रहा है, समुद्री सीमा विवाद भी चीन के साथ कई देशों का रहा है, जिसने खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन जिस तरह से लगातार अपना आक्रामक रवैया दिखा रहा है और अपनी कूटनीतियों को अंजाम दे रहा है, वो कई देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। वियतनाम का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में स्पार्टली आइलैंड को लेकर चीन के साथ सन 1998 से समुद्री क्षेत्र विवाद चलता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत और वियतनाम का ये एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इससे भारत को दक्षिणी चीन समुद्री क्षेत्र में पकड़ बनाने में मजबूती मिलेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।